राजधानी जयपुर में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण। शिप्रापत इलाके में उत्तम जैन का हुआ था अपहरण। मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आधा दर्जन बदमाश कर रहे हैं दिन दहाड़े अपहरण। मामले में एक आरोपी हरजी नरानिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से अपहरण की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बदमाश गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब ये जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक आरोपी हरजी नरानिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। तो राजधानी जयपुर में फिल्मी स्टाइल में युवक का अपहरण किया गया। शिप्रापत इलाके में उत्तम जैन का हुआ था अपहरण। मामले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे किस तरीके से ये बदमाश आए और फिर इसके बाद अपहरण की वारदात को अंजाम दिया। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि ये बदमाश आए और उसके बाद अपहरण के इरादे से इस गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और उसके बाद उत्तम जैन जो है उसको अपहृत कर लिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, उत्तम जैन का अपहरण हुआ था। मामले का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया। आधा दर्जन बदमाश दिन दहाड़े अपहरण कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि जिस तरीके से दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया उससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आज की तारीख में बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं। तो वहीं अब इस खबर पर हमारे सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या कुछ पूरी जानकारी? आई देखिएगा कि ये पूरा मामला कल इसके मामले को लेकर पुलिस को खासी मशक्कत करना पड़ी थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो जवाहर सभी शिप्रापत थाने का जो इलाका है मानसरोवर प्लाजा के पास, वहाँ एक युवक जिसका नाम उत्तम जैन था उसका अपहरण कर लिया गया। क्योंकि उसकी पूरी वारदात सीसीटीवी के अंदर कैद हुई थी। ऐसे के अंदर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें एक आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि पूरा मामला आपसी लेन देन से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर ये विवाद हुआ और इसके बाद ही अपहरण की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के अंदर से एक को गिरफ्तार कर लिया, अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन दिन दहाड़े जिस तरह से ये अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई, उसके बाद लोग खौफ ज़दा हैं। क्योंकि लगातार एक के बाद एक राजधानी में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। खुलेआम फायरिंग करना हो या फिर किसी का अपहरण करना हो या लड़ाई झगड़े का हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।